अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम गर्मियों के लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता लेकर आए हैं, लौकी का। लौकी गर्मी में खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छी होती है लौकी। और इसको बनाने के लिए हमने बहुत कम सामान का इस्तेमाल किया है और बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। आज हम लौकी का नाश्ता बनाएंगे और बहुत टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। जो लौकी नहीं खाता है वो भी इसको मांग मांग कर खाएगा। गर्मियों में रोज़ लौकी खाना चाहिए, मेरे घर रोज़ लौकी बनती है, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमको सपोर्ट करो। बहुत ही टेस्टी ये लौकी का नाश्ता बनकर तैयार होगा, तो वीडियो को पूरा वॉच करना। इसके लिए हमने लौकी ले लिया है। ऐसे सब्जी बनाते वक्त एक छोटा सा टुकड़ा लौकी का आप निकाल लोगे, बस उसी से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। घर के सामान से बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बना के तैयार करेंगे और हेल्दी भी है लौकी खाना। बहुत ही गर्मी में इसको खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसको गर्मियों में रोज़ खाना चाहिए, लेकिन हर कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए हम लौकी की सब्ज़ी रोज़ बना नहीं सकते हैं। तो इसका ऐसे नाश्ता बना कर दोगे तो बड़े से बच्चे तक सब पसंद करेंगे लौकी खाना। और कोई बता नहीं सकता है कि ये लौकी है, क्योंकि इसको हम बहुत ही टेस्टी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने एक छोटा सा लौकी का टुकड़ा ले लिया है। उसका बीज में से अंदर जो गूदा भरा रहता है बीज, उसको निकाल देना है, छिलका भी निकाल देना है। अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। इसको एकदम पतला पतला सा कद्दूकस करना है। इसको लंबे लंबे से हमने किया है, देखिए एकदम लंबा लंबा इसका निकालना है। कद्दूकस करके पतला पतला से इसको एकदम काट लेना है। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होगा। इसके लिए हमने आधी कटोरी चावल लिया है। इसको हमने एक घंटा पहले भिगा के रख दिया था। चावल हमारे अच्छे से फूल गए हैं। अब इसमें हमने एक चम्मच जीरा ले लिया है, 8-10 लाल मिर्ची ली है सूखी वाली, और 8-10 लहसुन ले लिया है। नमक ले लेंगे इसमें स्वाद के अनुसार। इसका खूब अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और जो हमने लौकी को कद्दूकस करके रखा हुआ है उसमें ये सारा पेस्ट मिला देंगे। अब हम एक तवा चढ़ा देंगे। देखिए, हमने जो चावल का पेस्ट बनाया था उसमें हमने थोड़ा सा बेसन भी मिला दिया है। बेसन या कॉर्नफ्लोर आप कुछ भी मिला सकते हो, उससे ये चिपकेगा नहीं। कभी कभी चावल जो है तवे में चिपक जाता है। तो अब इसमें थोड़ा सा बस एक चम्मच तेल डाल के बस ऐसे ही इसको सारे ऐसे फैला फैला के आप कोई भी डिज़ाइन में बना सकते हैं। इसका बहुत ही टेस्टी स्नैक बन के तैयार होगा। देखिए, ये चीला हमने बनाया है, कितना टेस्टी ये बन के तैयार हुआ है। इसमें हमने थोड़ा सा बेसन मिला दिया था तो ये चिपक भी नहीं रहा है तवे पे। इतना अच्छा ये लौकी का चीला बनके तैयार हुआ है। इसके आगे मच्छी फ्राई और चिकन फ्राई भी फेल है। बहुत ही टेस्टी इसको बना के तैयार किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।